संचालित किया गया है, इसमें आज अपन गाजर की खेती के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो भूमि है उसका चयन करना चाहिए। भूमि चयन में बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। उसके बावजूद सेकंड स्टेप पे देखते हैं गाजर को, तो जो जमीन की तैयारी होती है, जो जुताई जिसको आप बोलते हो, वो सबसे पहले एक डिस्क जो बोलते हैं, दो तवे का जो बोलते हो आप, उससे कटाई करके और छोड़ देना चाहिए। उसके बावजूद आप जो रोटावेटर या कल्टीवेटर से लेवल करके और उसमें सीधा सीड ड्रिल से बीज बुआई कर सकते हैं। उसके बावजूद अपनी नेक्स्ट स्टेप आती है सीड वैरायटी। जो भी बीज का चूज कर रहे हैं वो एक अच्छी वैरायटी यूज करें जिससे उसका उत्पादन अपने को अच्छा मिल सके। उसके अगले पार्ट में अपन देखते हैं तो सिंचाई की बात आती है। सिंचाई एक हाई टेक्नोलॉजी से करें तो रेन पाइप या मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा ही करें, जिससे कम पानी और कम समय में ज्यादा ही कवर हो सके। और नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं अपन, तो जो गाजर के लिए जो मुख्य रूप से उत्पादन के लिए दिए जाने वाले फर्टिलाइजर मैन्यूर्स, जो अच्छी जो कंपनी के उत्पाद चूज करें कि जिनका रिजल्ट हमारे को अच्छा मिल सके, और वो भी लगभग लिक्विड सोल जो फिफ्थ जनरेशन के हैं उनका ही यूज करें, जो घोल के और कुछ समय में चढ़ा दिए जाए, उनका रिजल्ट तुरंत मिले, ऐसे उपयोग में करने चाहिए। उसके बावजूद जो गाजर में लगने वाले मुख्य रोग हैं, जैसे गलन है, रोग कीट हैं, उनका एक दार्शनिक रूप से जैसे अपन खेत में जाते हैं तो देख के और किसी भी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेके उसमें तुरंत ही उस दवा का स्प्रे करें, जिससे उस रोग पे अपन कंट्रोल कर सके और अपनी फसल का नुकसान न हो पाए। उसके बावजूद अपन गाजर की जो प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाने के लिए लास्ट में सल्फर का स्प्रे कराएं, जिससे कि सल्फर देने से उस पौधे पर जो अपन जो कंद तैयार कर रहे हैं गाजर का, वो चमकीला और अच्छा लंबा और साफ सुथरा प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। उसके बावजूद अपन अगर जैसे गाजर की कटाई की बात करते हैं, कल्टीवेशन होता है तो लेबर से तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। टेक्नोलॉजी को देखते हुए बाजार में मशीन उपलब्ध है जो जिसको रीपर बोलते हैं, जिसमें एक ब्लेड लगा होता है, वो गाजर का बेड जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट कर देती है और गाजर उखड़ उखड़ के बाहर निकलने लग जाती है। तो गाजर के बारे में एक मौखिक रूप से जो मैंने आज बताया जो विस्तार से, तो उसके बारे में जो कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे से डेली कर सकते हो। आपको रोग उग लगे तो मैं फील्ड में आपको देख के बता भी सकता हूँ। जो भी बुआई करते हैं उनके लिए हम हेल्प के लिए तैयार है। नाबार्ड के द्वारा संचालित MEDP प्रोग्राम के अंतर्गत जो युवा जागृति संस्थान के द्वारा जो ये आज की कार्यशाला में जो गाजर के बारे में जो मैंने बताया, उसमें मैं आशा करूंगा कि जो आपने जो सीखा है वो काफी अच्छा सुना होगा, सीखा होगा, और आगे जो मैंने ये तकनीकियां जो बताई हैं इनको अपना के आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करके एक मार्केट से अच्छा मुनाफा प्राप्त करने की आशा करूंगा। मैं युवा जागृति संस्थान और नाबार्ड का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी कृषक महिलाओं का भी आभार करता हूं कि आप इन योजनाओं के द्वारा कुछ सीख के और आगे बढ़े और अपना जो श्रम रोजगार है उसमें बढ़ावा मिल पाए।